मध्य प्रदेश के डिंडोरी में प्रचलित गोंडी पेंटिंग को मानो पंख लग चुके हैं और अब वो नई उड़ान भरने को तैयार है, क्योंकि गोंडी पेंटिंग को सरकार ने GI टैग दे दिया है। ऐसे में यह उनके लिए काफी गर्व की बात है। बताया जा रहा है कि अब आदिवासी कलाकारों के अलावा अन्य लोगों को समिति संस्था से परमिशन लेना पड़ेगा, अन्यथा अन्य कोई भी इसका लाभ नहीं ले पाएगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कलाकार हाथ पैर अपंग होने के बावजूद मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग कर रही हैं। उनकी मेहनत और जज्बे को अब पहचान मिलेगी। वर्ष 2018 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आदिवासी कलाकार भज्जू श्याम ने कहा कि ये आदिवासी प्रधान कलाकारों के लिए गर्व का क्षण है। अगर मैं 10 से 15 साल पहले की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से हम लोग बुक बनाए हैं, पद्मश्री जब से मिला है और उसके हमने काम किया है, जिससे प्रधानमंत्री जी को मन की बात में मेरा नाम लेना पड़ा था और लिया उन्होंने, तो वो बहुत हमारे लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे गाँव के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अभी पहले की अपेक्षा हमारे संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और जनजाति संग्रहालय, ये लोग सब काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कितने आर्टिस्ट हमारे मध्य प्रदेश के जाते हैं जनजाति संग्रहालय में, वो काम कर रहे हैं, पूरा संग्रहालय बना रहे हैं। अभी खजुराहो में संग्रहालय बना हुआ है, पूरा आदिवासियों का पूरा वहाँ काम है, हमारा भी काम है। और इधर जो बैगा क्षेत्र की बात आप कर रहे हो, तो वहाँ भी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। आज जो 15 आर्टिस्ट थे, आज 200 आर्टिस्ट हैं, तो इसका तो श्रेय, ये बढ़ावा हो रहा है। और जब से सरकार ने सम्मान दिया है तब से ये हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और मेरा मतलब ये है कि इसका सम्मान बनाए रखना चाहिए इन हमारे आर्टिस्टों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी कर दें। जैसे मैंने अभी सुना है कि जूते में भी पेंटिंग कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मुझे 1.5 साल पहले किसी ने बोला था कि जूते में पेंटिंग की बात आई थी, तो लेकिन जूते में हम इसलिए पेंटिंग करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि हम उस पेंटिंग में पेड़ या जानवर नहीं दिखा रहे हैं। हमारे देवी देवताएं भी हैं उन पेंटिंगों में, बहुत सारे देवी हैं, देवता हैं जिसको हम बनाते हैं, उसको अगर हम जूतों में दिखाएंगे तो हमारे लिए अपमान की बात, ऐसा मुझे लगता है वो, तो इसलिए मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। गोंडी पेंटिंग में प्राकृतिक चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, देवी देवता, चांद सूरज, नदी नाले आदि। इसके अलावा पहले के समय चलने वाली राजशाही को भी पेंटिंग में उकेरा जाता है। उन पेंटिंगों में ये प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चांद सूरज है, नदी नाले हैं, उनको ज़्यादातर बनाते हैं, हमारे देवी देवताओं को बनाते हैं। जो भी हमारे देवी देवताएं हैं, जिसमें हमारी मान्यताएं हैं, पेड़ों के बारे में बताते हैं, पेड़ों का कौन कौन सा महत्व है, पेड़ों की कौन कौन से पेड़ों की हम पूजा करते हैं, साल में कौन से पेड़ के पत्तों से हम खाना खिलाते हैं अपने देवी देवताओं को, तब जाके हम अपना खाना खाते हैं। तो इसमें सरनेमों की बात है, जैसे मैं श्याम हूँ, कोई कुशराम है, कोई ध्रुवे है, कोई अलग अलग है, तो ये अलग अलग लोग अपने अपने पेड़ों की पूजा करते हैं और उन पेड़ों से बहुत सारे हमें फायदा है। फायदा की बात ये कहूँ कि अलग अलग पेड़ों में हल कौन सी लकड़ी से बनेगा, घर बनाने का कौन सी लकड़ी से होगा, इन लकड़ियों में क्या क्या मजबूत है, क्या है, दवाई है, मेडिसिन है, कौन सा क्या है, इन चीज़ों को वो बनाते हैं और हम भी बनाते हैं। और राजाओं की बात करते हैं तो राजाओं के राजा एक दूसरे से कैसे लड़ते थे, एक राज से दूसरे राज कैसे लड़ते थे, तंत्र और मंत्र से कैसे वो शक्तियों की बात करते थे, इनको हम लोग पेंटिंग में बनाते हैं। GI टैग मिलने पर कलेक्टर डिंडोरी विकास मिश्रा ने उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही, साथ ही कहा कि इस तरह डिंडोरी पेंटिंग बनाने वाले लोगों को नई पहचान मिलेगी और उनके काम की उन्हें सही कीमत मिलेगी। मेरा मानना है कि डिंडोरी जिले ही उसका मेन सोर्स रहा है और हमारे यहाँ से ही इसके जगह जगह पर विस्तार हुआ। आज GI टैग मिलने का मतलब ये कि जो भी अथॉरिटीज हमने माना है कि इसका मूल स्रोत डिंडोरी जिला है, तो जो हमारी महिलाएं, परिवार
अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कई जगह वो लोग श्रम बेसिस पे कर रहे थे, कुछ और लोग उनसे काम कराते थे और उनको जस्ट लेबर टाइप पेमेंट कर देते थे। अब क्या हमारी इसमें अथॉरिटी डेवलप हो जाएगी। अभी हम लोगों ने अपने NRLM और NOLM के साथ मिलके उसको सस्ते मॉडल में लाने का फैसला लिया, जैसे हम ग्रीटिंग कार्ड्स में ला सकते हैं उसको, मोबाइल्स कवर, बैग कवर्स, क्योंकि हर आदमी एक बड़ी पेंटिंग नहीं खरीद सकता। तो आपको मार्केट की जो डिमांड्स हैं और जो सप्लाई सिस्टम है उसके हिसाब से चलना होगा। और गौंडी पेंटिंग सिर्फ हमारे लिए रोजगार का माध्यम नहीं है, ये हमारी जो अस्मिता है, जो हमारा सम्मान है, उसका भी एक प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि ये पूरा जो है जो मानव जीवन है उसकी यात्रा को दिखाता है। हर एक पेंटिंग अपने आप में एक स्टोरी है, तो हम उस ढंग से अगर बता पाएंगे तो हम निश्चित रूप से अपने आप को हाईलाइट कर पाएंगे। और हमने इसीलिए अमरकंटक और अपने अमरकंटक को मैं सेंटर पॉइंट बनाया है, और जबलपुर में जो कुछ बड़े होटल्स हैं उसको भी हम लोग रूट कर रहे हैं, ताकि उनको हम डिमांड बेसिस पे अपने ग्रीटिंग कार्ड्स, अपनी पेंटिंग सप्लाई कर सकें, और इसका सीधा फायदा उस हमारे आर्टिस्ट को मिले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।